नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आज का हमारा पिकअप फाइल है व्हाट आर द इंटेंशंस टुवर्ड्स मी। मुझे पता है कि आप लोगों को पिकअप फाइल रीडिंग्स बहुत पसंद आते हैं और आप उनके लिए बहुत वेट करते हैं, इसलिए मैंने आज आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा ऑप्शंस दिए हैं। तो हमारे पास है गोल्ड, पिंक, ब्लू एंड ग्रीन ड्रम। तो आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए और फिर मैं आपको उनके इंटेंशंस बताऊँगी। और किसी ने मुझे कहा कि आप लाइव शफलिंग कीजिए, तो आपके रिक्वेस्ट पे मैंने एक और डेक यहाँ पे रखा हुआ है जिसमें से मैं लाइव शफलिंग करके और मैसेजेस निकालूंगी। फिलहाल मैंने ये बेस मैसेजेस यहाँ पे बनाए हुए हैं, जो और मैसेजेस मुझे आपको देने होंगे उनके इंटेंशंस के ऊपर मैं दूसरे डेक के साथ दूंगी। तो चलिए आप यहाँ पे पॉज कीजिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। तब तक मैं जो है ग्रीन से स्टार्ट करूंगी आज। यस, तो मैं ग्रीन से स्टार्ट करूंगी। तो ये आपका 1 2 3 4 आपका ग्रीन ड्रम और ये रहे आपके मैसेजेस। दोस्तों, आपके जो पर्सन थे वो काफ़ी ज़िद्दी थे, मुझे ऐसा लग रहा है। वो काफ़ी उनके माइंड और हार्ट में बैटल चलता रहता था आपको लेकर के, और वो काफ़ी जो है मतलब आपको डिफीट करने का सोचते रहते थे, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। क्योंकि ये है हमारा जो है विक्ट्री का कार्ड, तो उन्होंने आपको अगर ब्लॉक कर दिया या जो भी कर दिया उनके ऊपर, उनका बहुत अच्छा लगा। ये था थोड़ा सा ट्रिगरिंग, लेकिन जो आगे का है वो बहुत अच्छी बात सामने आ रही है कि अभी उनका इंटेंशन है टू गो विद द फ्लो, टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो मतलब वो फ्लो के साथ जाना चाहते हैं। वो जो है उनको कहीं कहीं समझ आ रहा है कि जो है उन्होंने वो यूनिवर्स से मदद मांग रहे हैं, फूल की तरह बन रहे हैं और जानना चाह रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं यूनिवर्स से। तो उनके इंटेंशंस, क्योंकि उनके इंटेंशंस हैं ट्विन, अपने ट्विन फ्लेम के पास वापस आना और हील करना आपको, तो उनके ये इंटेंशंस हैं। और उनको जो है फाइनेंशियल, उनको अबंडेंस चाहिए, अब उनको खुशी चाहिए, उनको जो है साथ रहना है आपके, और आपके साथ इंजॉय करना है लग्जीरियस लाइफ। तो इसके लिए वो यूनिवर्स से हेल्प मांग रहे हैं। तो उनके इंटेंशंस ये है कि वो आपके पास आना चाहते हैं और उसके लिए वो यूनिवर्स से हेल्प मांग रहे हैं और वो आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। हम इसके ऊपर थोड़ा सा क्लैरिफायर लेंगे या और मैसेजेस देखेंगे जो आपके लिए आना चाहते हैं। ये बेसिकली मैसेज क्लियर है, तो आपके लिए हम और एक मैसेज लेंगे जो आपके सामने आना चाहता है। तो देखिए, वो आपके साथ अपना 10 of cups चाहते हैं, ये उनके इंटेंशंस हैं। तो ये पर्सन जो है काफ़ी कंफ्यूज्ड थे आपको लेकर के, इसी वजह से वो आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे थे और आपको लग रहा था कि जो है ये रिलेशनशिप का डेथ हो चुका है, एंड हो चुका है और आप और आगे नहीं बढ़ सकते, और ये आपके फीलिंग्स हैं। लेकिन वो एक्चुअली में उनके इंटेंशन बहुत अच्छे हैं आपके लिए, जिन्होंने भी एक ग्रीन ड्रम को चूज़ किया है। वो आपको आकर के वो लव ऑफ़र करना चाहते हैं, वो हीलिंग ऑफ़र करना चाहते हैं जो पहले नहीं कर सके। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा इंटेंशन है जिन्होंने भी ग्रीन ड्रम को चूज़ किया है उनके लिए। फिर ये पिंक ड्रम, जिन्होंने भी पिंक ड्रम को चूज़ किया है, देखते हैं उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या कहना, क्या इंटेंशंस है उन पर्सन के आपकी तरफ। ऐसा नहीं लग रहा दोस्तों कि आप सबके, मुझे अभी दो डेक्स, ये दूसरा डेक है और यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका इंटेंशन है टू मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू,
क्योंकि वो नए लाइट में सोच रहे हैं, उनके लाइफ में टावर मोमेंट्स आ चुके हैं, सब डिसरप्ट हो चुका है पहले का, और वो अभी न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं आपकी तरफ आगे आने के लिए, और स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं। तो उनके जो इंटेंशंस है वो आपके साथ आपको लव ऑफर करने के हैं, आपके साथ एक कपल बन के रहने के ऑप्शंस हैं उनके, आपके लव पार्टनर बनना चाहते हैं बेसिकली, वो आपके लिए प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो उनके इंटेंशंस जो है बहुत अच्छे हैं दोस्तों, सिर्फ आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि ये टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ है। वो बैलेंस करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो और वो उस रिलेशनशिप को कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा सा उन वो बैकअप हो गए हैं और वो न्यू वे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या दे सकते हैं इस रिलेशनशिप को। तो चलिए हम देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो है हमारे पास फिर से द थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जिस अपॉर्चुनिटी का वो वेट कर रहे हैं आपके पास स्टेबल ऑफर लेने के लिए, और स्ट्रेंथ का कार्ड, तो उनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आपके पास आने के लिए, तो वो स्ट्रेंथ का वेट कर रहे हैं। तो उनका इंटेंशन आपके पास आने का ही है, लेकिन उनको टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्नेल पेस एनर्जी है, मतलब जो स्नेल्स और कछुए जो पेस पे चलते हैं ना एकदम स्लोली स्लोली रेंग रेंग के, वैसे आ रहे हैं वो आपके पास। तो इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये चाहते ही क्या है, बेसिकली वो आपके पास ही आना चाहते हैं, पर वो स्लो पीपल है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आ रही है, आगे बढ़ेंगे। जिन्होंने भी ब्लू चूज किया है उनके लिए, ठीक है दोस्तों, तो जिन्होंने भी ब्लू चूज किया है ड्रम, आपके पर्सन के जो इंटेंशंस है वो बेसिकली आपसे थक चुके हैं, ठीक है। वो ब्रेक लेना चाहते हैं, वो अपने आप को पैम्पर करना चाहते हैं, अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अपने अंदर जाना चाहते हैं फॉर न्यू बिगिनिंग। तो आपके पर्सन के जो इंटेंशंस है वो पैशनेट है, देखिए इनके पास आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, वो आपके पास आना चाहते हैं विद फुल पैशन, लेकिन अब वो थक चुके हैं, उनको अपना टाइम की ज़रूरत है, तो आप उनको स्पेस दीजिए, ठीक है। और आप अपने आप के ऊपर भी थोड़ा सा काम कीजिए, बेसिकली जिन्होंने भी ये ब्लू ड्रम को चूज़ किया है उनके लिए है। और थोड़े से एक्स्ट्रा मैसेजेस निकालने की कोशिश करेंगे गिल्डेड टैरो डेक से। देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, आप इस टेक में मुझे एक अर्जेंट मैसेज आया है ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स दोबारा आने की वजह से। तो आप अगर सेपरेशन में है तो आपके पर्सन आपके पास फुल पेस के साथ वापस आ रहे हैं, उनको उनका टाइम मिल चुका है, वो अपने अंदर जा चुके हैं, वो अपने ऊपर काम कर चुके हैं और वो अब आ रहे हैं आपकी तरफ। तो ये बहुत अच्छा था, गुड न्यूज़ फॉर द ब्लू ड्रम पीपल, जिन्होंने भी ब्लू ड्रम को चूज़ किया है, उनके इंटेंशन ये है कि वो आपके पास फुल स्पीड के साथ वापस आना चाहते हैं। तो अभी अगर आपने गोल्ड ड्रम को चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। ठीक है, आपके पर्सन का जो इंटेंशन है वो आपको मैनिफेस्ट करने का इंटेंशन है, बेसिकली मैं क्लियरली बता सकती हूँ, क्योंकि वो आपको किसी और के साथ जगल कर रहे थे, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, और जो है आप जो है उनकी क्वीन ऑफ कप्स थी, उनको आपके लिए काफ़ी लव था, लेकिन अभी आप वॉक अवे कर चुके हो उस उनसे, बिल्कुल ही अलग दूर जा चुके हो, क्योंकि वो जो है ये सिचुएशन आपको लगा ख़त्म हो गया है, लेकिन वो आपको के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको सच बताना चाहते हैं। तो बेसिकली आपके जो पर्सन है वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है, वो आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, वो आपको लेट गो नहीं करना चाहते, पर आप तो यहाँ पर लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, ठीक है।
तो इस वजह से वो पर्सन जो है मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है आपके साथ एक कम्युनिकेशन, ताकि वो आपको बता सके कि उन्होंने आपको छोड़ा नहीं है अभी तक। तो सॉरी, मैं अभी आप लोगों के लिए, मैं वाइंड अप करने वाली थी, लेकिन मैं अभी आप लोगों के लिए जो है एक एक्स्ट्रा मैसेज निकालने की कोशिश करूँगी। आपके पर्सन जो है आपके मैनिफेस्ट करा, आपसे ज़्यादा आपको ज़्यादा मैसेजेस नहीं देना चाहते। लग रहा है कि आपने जो उनको ऑफर तब भी किया था, बेसिकली ये फोर ऑफ कप्स है। अगर आपको ध्यान से दिखाना चाहती हूँ मैं, दूसरे पाइल्स में जो है ये जो फोर ऑफ कप्स है वो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसमें वो पर्सन आपके ऑफर को नहीं देख रहा होता है। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन इंटरेस्टेड है आपके ऑफर की तरफ अब, और वो जो है अपने माइंड में जो है उनके 100 बातें चल रही है, लेकिन वो तभी भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे भी आपको सच बताना चाहते हैं। पहले वो इस सिचुएशन में थे अपने माइंड के कि ये ऑफ़र ले ना ले, अभी वो इस ऑफ़र की तरफ इंटरेस्टेड है और आपको आकर के ट्रुथ बताना चाहते हैं। तो जिन्होंने भी ये गोल्ड ड्रम को चूज़ किया है आपके लिए बस इतना ही। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो है आज के लिए बस इतना ही। आई होप अगर आपको कोई और रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी।